जय तेलंगाना, जय भारत जागृति। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अंदर की नमस्कार। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे हम माता पिता कहते हैं। पहले पंक्ति में पहला शब्द हम माता का लेते हैं, पिता का नहीं लेते हैं। तो हमारे संस्कृति में ये शामिल है कि हम माता पिता कहेंगे, राधे श्याम कहते हैं, सिया राम कहते हैं, पार्वती परमेश्वर कहते हैं। इस तरीके का एक संस्कृति हिंदुस्तान में है और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमने बहुत क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। लेकिन जिस तरीके से, जिस रफ्तार से पूरी दुनिया डेवलप हो रही है, अगर उसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है, उसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है, तो हिंदुस्तान में महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। और राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण का बिल को लेके आना बहुत जरूरी है। महिला आरक्षण बिल, 33% आरक्षण का बिल 27 साल से पेंडिंग में है। बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने महिलाओं के साथ खड़े होके कोशिश उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षण भी मिले। बस यही मैं आज सारी महिलाओं को, हम महिलाओं को राजनीतिक दल में जिन्होंने भी आगे ले कोशिश किया है, तो हम इसके लिए पूरा पूरा कोशिश करेंगे। 1996 में आंदोलन में जब पहले बार देवेगौड़ा जी ने महिला का शुक्रिया अदा करती हूँ, इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ 10 बजे से नहीं, 4 बजे तक का, इससे 10 साल मिला है, 15 साल हम लोग अनशन पे बैठे हैं। बहुत सारे हमारे शुरुआत ही है उनका, यहाँ से लेके आगे चल के पूरा देश में आंदोलन चला, जो आंदोलन था जब तक महिला आरक्षण बिल 1996 नहीं आएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच, जय भारत। और वो आंदोलन में मैं सारे तेलुगु महिलाओं को लाइन आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, सैल्यूट करना चाहती हूँ। चाहे वो बृंदा कारत जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो जयंती नटराजन जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, पैम राजपूत जी होने दो, इंदु अग्निहोत्री होने दो, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे अनगिनत महिलाएं हैं। बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, पुरुषों के, पुरुष जब महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं तो अच्छा लगता है। आज ऐसे ही महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सीताराम येचुरी जी। आप चंद्रनाय जी यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आएं और महिलाओं से संबंधित इस मंच पर महिलाओं के उत्थान के लिए उनके कलम से लिखी हुई कुछ स्पेशल पंक्तियां हमारे सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा कि कविता जी के सम्मान में जोरदार तालियां। आप सभी से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और स्टेज के सामने से हट जाएं। मीडिया कर्मियों से निवेदन है कि